गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है, एक टॉपिक नहीं डिस्कस करना है, कई टॉपिक्स करने हैं। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव है पेपर, तो जो जरूरी है उतने ही पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है। जैसा कि पहला जो टाइटल हमने डाला हुआ है, ट्रांसवर्स वेव्स अलोंग ए स्ट्रेस स्ट्रिंग। स्ट्रेस स्ट्रिंग के बारे में आप जानते ही होंगे कि किन्हीं दो फिक्स्ड सपोर्ट्स के बीच में एक स्ट्रिंग को अगर हम फिक्स कर देते हैं और उसमें कोई टेंशन आप क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप सोनोमीटर वायर यूज करते हैं, तो वो जो स्ट्रिंग वायर के रूप में लगी होती है उसमें खिंचाव तनाव या टेंशन क्रिएट होता है और उसके बाद उसको एक जगह कहीं से डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसमें वेव्स बनते हैं, ठीक है। और जो वेव्स बनती हैं आपने देखा होगा इस तरीके से बनती हैं और ये वेव्स कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। पता है आपको ऊपर नीचे अप एंड डाउन स्ट्रिंग के जो मटेरियल के पार्टिकल हैं वो होने लगते हैं। इसमें अगर प्रोग्रेसिव वेव है, हम स्टेशनरी वेव के रूप में दिखा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो हम इस समय जो पढ़ रहे हैं वो हम स्टेशनरी नहीं प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करा आगे इम्प्रूव कर रही है, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है आपने इंटर में पढ़ा हुआ है वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय रूट टी बाय एम। टी का मतलब जानते हो आप, टेंशन इन दी स्ट्रिंग, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। हाँ, ये अगर सपोज करते हैं यहाँ पे आपने कोई पुली कर रखी है और नीचे बाट लटका रखी है, तो जो एम मास आप लगाओगे उसका वेट एम भी हो जाएगा, तो उसी के बराबर ये टेंशन इसमें प्रोपेगेट होगा। और ये जो मास एम लिखा हुआ है ये मास नहीं है बल्कि एम इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब हुआ कि ये एम बाई एल, अगर स्ट्रिंग का मास एम ले लें उसकी लेंथ से डिवाइड कर दें तो इसकी यूनिट जो होती है एम बाई एम की क्या होगी, के जी पर मीटर। और या अगर सीरियस यूनिट लोगे तो सेंटीग्राम ग्राम पर। ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जा सकती है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम इन दी एम ऑफ फॉर्मूला इज के जी लिख दिया, के जी पर मीटर लिख दिया, मतलब एम और उसके रूप में डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देते हैं, यूनिट भी पूछ देते हैं, कुछ और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हालांकि अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो इसका डेरिवेशन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में हम ले आते हैं चार पांच स्टेप में, और उसमें जो आप लिखते हो टेबल टू बाई अपॉन टेबल एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेबल टू बाई अपॉन टेबल टी स्क्वायर, और यहाँ पे वन अपॉन बी स्क्वायर आता है कि वन अपॉन बी स्क्वायर आ जाता है ना, या यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें इसकी जगह पे जब हम डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ टी वाई एम आता है, जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में करते थे ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिक इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि देखिए एम स्क्वायर की जगह टी के एम आया, इसलिए बी इक्वल टू टी वाई एम। इस तरीके से करते हैं ना कि आपको जरूरत नहीं है कभी भी उसमें जो एक्चुअल एनालिसिस करेंगे इसकी टेंशन की और उसमें वेव बनाएंगे,
और वेव की इक्वेशन क्या होगी इसमें, वही वाली वेव की इक्वेशन कंसीडर करी जाएगी, v इक्वल टू f t माइनस x अपॉन v t प्लस g t प्लस x अपॉन v, ये वेव की इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने बताई उस तरीके से बनेगी, सारी एनालिसिस आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं, उनकी सी बात आपको। दूसरी बात और है इसमें जो आपके काम आएगी वो ये है कि जब स्ट्रेस स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है काय से टेंशन से, तो उसमें टेंशन आता है तो मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मोड ऑफ वाइब्रेशन एक है तो कितनी वेव ये बन रही है, आधी वेव बन रही है ना, तो v इक्वल टू रूट थ्री बाई एम आप लिखते हो या नहीं, v इक्वल टू आप एन लैम्डा लिखेंगे तो रूट थ्री बाई एम होगा, या n इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा रूट थ्री बाई एम, मतलब ये फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये फॉर्मूले भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये जो है लेंथ l है और ये किसके बराबर है, लैम्डा बाई टू के बराबर, आधी वेव के बराबर है ना। तो अब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू एल, तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन बाई टू एल, एल छोटी वाली ले लेते हैं बड़ी अच्छी नहीं लगती, टू टी बाई, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं फंडामेंटल, क्या कहते हैं। अब अगर दो लूप्स बनेंगे अगर उसके बीच में तो ये पूरी वेव को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एल ही हो जाएगा, तो उस समय एन इक्वल टू वन बाई लैम्डा की जगह वन अपॉन एल रूट थ्री बाई एन, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो। अगर इसको आप एन वन कहते हो तो जो एन टू ये आएगी टू इंटू एन वन, इन सिमिलर वे अगर थ्री लूप्स बनते हैं तो थ्री लैम्डा बाई टू के इक्वल करोगे, फोर लूप्स बनेंगे इस तरीके से करोगे, तो जो इसमें जो रेशियो आएंगे फ्रीक्वेंसीज के एन वन एन टू एन थ्री एन फोर क्या आएंगे, वन टू थ्री फोर, माने जो इंटीजर नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स में ही सारे होते हैं। अब इनको नाम विशेष क्या क्या दिए हैं, इसको ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वाइब्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नाम याद रख लेना, कभी कभी इन्हीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहचानने पड़ते हैं, तो इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा नाम, कुछ रटना भी जरूरी होता है। और इसी का दूसरा नाम है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, किसको एन वन का, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में। और जो एन टू होता है टू सेगमेंट्स में, इसको दो सेगमेंट में, ये वाला दो सेगमेंट में है, एक वन सेगमेंट में है, तीन बनते हैं तो तीन सेगमेंट कहलाते हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जो पहली वाली एन टू कहलाता है इसको सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, कहां गया एन टू, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, जैसे ये फंडामेंटल मोड है इसको कहते हैं सेकेंड मोड। ये आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, आप फिजिक्स जानते हो, इनके नाम से आप ऑब्जेक्टिव में पहचान पाओगे, आपको दे दिया सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ये होगी, तो सेकेंड कहीं आप किसी और को ना मान बैठे, ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और इसको जो है हम लोग दूसरा नाम है फर्स्ट ओवर टॉप,
कौन सी आएगी? सेकेंड ओवर। ये वाली कौन सी आएगी? अगर आयत है तो इसको एन टू होगा फर्स्ट, और अगर एन एन आई लिखा हुआ है आई माइनस वन ओवर 20। इनके नाम और भी हैं, नामों से आपको यही रटना पड़ेगा। इनको हम इफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज इंक्लूडिंग फंडामेंटल टोन्स आर शोन इन दी देश दे आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स भी कहे जाते हैं, है ना। इन्हीं हार्मोनिक को टोन कहते हैं। ये फर्स्ट के बाद सेकेंड थर्ड एंड पीएफ हार्मोनिक्स भी कहलाते हैं। ये तो एन टू जो है सेकेंड हार्मोनिक भी कहलाता है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है। हार्मोनिक के रूप में आप इसी क्रम से लागू कर लीजिए। कभी मोड ऑफ वाइब्रेशन के रूप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, कभी ओवरटोन्स के रूप में पूछा जा सकता है, या हार्मोनिक्स के रूप में। तो नाम तुम्हें रटने हैं, फिजिक्स आपको आती है 1/12, 2/12, 3/3, 3/12, n1 रेशियो n2 रेशियो n3, ये तो रटा हुआ है, लेकिन नाम से आपको याद रखना है। हार्मोनिक्स के रूप में भी टोन और ओवरटोन, पहली वाली तो टोन है, बाद वाली ओवरटोन से, तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, इस तरीके से आपको रटने हैं। इसी में आपके वेरिएशंस के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें पीछे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस सॉल्व करे गए हैं इसी फॉर्मूले में सीधे रखने हैं, कोई घुमाव फिराव होता नहीं है, इनको आपको खुद कर लेना है। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड नोड्स, बस इतना ही बताना था, बहुत ज़्यादा बताने को है नहीं। डेरिवेशन आपको करना नहीं है पेपर में, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर ली है, कोई भी दो चीजें हो सकती हैं,
गिवन और थर्ड चीज आपको निकालनी है। कोई डाउट तो नहीं, इसके अलावा और हमें नहीं बताना इसको, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आगे कवर करनी है। अब वो तीसरी चीज़ है, इसका भी हम फॉर्मूला ही बताएंगे, कोई डेरिवेशन नहीं करना है हमको। प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्लेन जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही टाइटल में डाल रहा हूँ ताकि सिलेबस से आप मैच कर सकें। प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन फ्लूइड का मतलब जानते हैं आप, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। लिक्विड के केस में आप ये पढ़ते हो V इक्वल टू अंडर रूट K बाई रो, या जो भी नोटेशन आप लेना चाहें, बल्क मॉडुलस को V से भी डिनोट करते रहे हो तो V बाई रो, या V बाई डी लिखा हो, हैं, जिस रूप में आपने रटा हो। फिलहाल ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, जो भी लिक्विड होगा उसका बल्क मॉडुलस अगर आपको पता है, उसकी डेंसिटी पता है, तो ये V का मतलब स्पीड ऑफ द वेव इन ए फ्लूइड। मोस्टली फ्लूइड का जो बल्क मॉडुलस होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉलिड के या मेटल के या किसी मटेरियल के यंग मॉडुलस से काफ़ी कम होती है। आपने पढ़ा ही होगा सॉलिड्स में स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव ज़्यादा होती है लिक्विड की तुलना में। अब अगर गैस के रूप में है, फ्लूइड हमारा क्या है, गैस भी हो सकती है, तो ये सब फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। तो गैस के रूप में आपने पढ़ा है पी बाई डी, पी बाई रो या पी बाई डी आपने पढ़ा है, जहाँ पे पी जो है प्रेशर। सब देखिए साउंड में मोस्टली आप बता रहे हैं प्रेशर लेवल तक समय बढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल लाप्लास ने करेक्शन भी किया है। ये न्यूटन ने निकाला था ये वाला फॉर्मूला, किसने निकाला था ये याद रखिए, इवन बाय न्यूटन। अब उन्होंने जो है ना, पहले तो न्यूटन ने ये मान लिया था कि आइसोथर्मल चेंज होता है, भाई आगे पीछे हो रही है, तेजी से हो रही है, ये ध्यान न्यूटन को नहीं आया। चूंकि आप समझ रहे हैं कि 320 मीटर पर सेकेंड होती है एयर में NTP पे उसकी स्पीड, लेकिन इनकी जो डेंसिटी वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं तो 280 मीटर पर सेकेंड आती थी, सबने पढ़ा हुआ है, कोई हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा। तो लाप्लास के माइंड में आया कि इतने धीमे धीमे तो चल नहीं रहे पार्टिकल एयर के, वो इतनी तेजी से हो रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर इतना फास्ट नहीं, मतलब आवागमन नहीं हो पाता। एडियाबेटिक आपने पढ़ा ही हुआ है, तो उन्होंने एडियाबेटिक जब आइडिया उसमें कंसीडर किया तो CP/CV यानी कि गामा इंक्लूड कर दिया था, तो ये लाप्लास के हिसाब से गामा की राई वो आ गया था फॉर्मूला। इसी ये एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग कंसिडर करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आती है, रियली वैल्यू आती है, इस फॉर्मूले के थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से भी काफ़ी करीब आती है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप कर लें। इंटर में भी आपने क्वेश्चन करे होंगे उसी डिज़ाइन पे, इसके पीछे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे करे गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप अपने आप कर लें, और प्लस ऑब्जेक्टिव में पीछे कुछ दिए गए हों इनको भी आप कर लें। बस आपको याद दिलाना था कि जो वेव्स चलती हैं सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, तीनों के फॉर्मूले हम लोगों ने कर लिए हैं, और उसके अलावा मैकेनिकल वेव्स स्ट्रेस स्ट्रेन में वो भी हमने देखा, ठीक है। तो मुझे इसमें इससे ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो आपने कभी पढ़े होंगे ऑर्गन पाइप्स, पढ़े हैं ना, ये ऊपर नीचे एक क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप वगैरह वगैरह, है ना, उसका भी रिवीजन कर लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिलेबस में नहीं है तो उसको एक बार अपने इंटर वाली किताब से रिवाइज कर लीजिएगा,
पेपर में कभी कभी ऊट पटांगा दाएं बाएं दे देते हैं। ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत है कि 280 आ रहा उसमें फिर 320 आ गया वगैरह, ये आप पूरी कर लेंगे। मैं अब एक चीज जो बताने जा रहा हूँ वो 100% एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर आता है जिस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, सेम डायरेक्शन में
या नियरली सेम डायरेक्शन में चलती है तो देयर इज ए सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। पढ़ा है आपने, हिंदी वाले जानते हैं तरंगों का अध्यारोपण होता है, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा वेव समान दिशा में या लगभग समान दिशा में चलती है तो वो तरंगें अध्यारोपित हो जाती है, दे सुपर इम्पोज, है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है ये लिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं आपको पता ही, मैकेनिकल वेव्स में, यानी मेन पोजिशन से डिस्प्लेस होते हैं, वो विस्थापन हो जाता है। तो अगर किसी डिस्टेंस एक्स पे हमने वेव को कंसीडर किया और हमने कहा कि एक वेव का डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक वेव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम वाई वन से शुरू करते हैं, दूसरी वेव है भाई दो या दो से ज्यादा कहूंगी हम दो ही ले रहे हैं, तीन लेंगे तो वाई थ्री भी लेनी पड़ेगी, तो जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर के हिसाब से दिया जाएगा, वेक्टर सम के बराबर होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई इज वाई वन प्लस, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर का मतलब है कि सपोज करते एक वेव की वजह से इस डायरेक्शन में दूसरी वेव की तरह ये है, तो प्लस लिखे होंगे में कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस अपने आप हो जाएगा वेक्टर सम, ठीक है ना। अगर समान फेस में दोनों पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे तो एम्पलीट्यूड जो है ए वन प्लस ए टू हो जाएगा, और अगर अपोजिट फेस में होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे, उनके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ऐसा आप इंटरफेरेंस वगैरह में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पूछी जाने योग्य चीज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेशनरी वेव्स भी पढ़ते हैं, या उसको क्या कहते हैं हिंदी में, अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव्स भी अंग्रेजी में कहते हैं और स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इसके समरी बना है आपने पढ़ा होगा शायद 11th 12th में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये जान लीजिए ये जो हम लोग बना रहे हैं बिल्कुल ये रिजिड बाउंड्री है, ठीक है, और ये जो है इस तरीके से वेव की स्थिति होती है, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता स्टैंडिंग वेव्स में, पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो तो ऑसिलेट करते हैं लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान को एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें जो वाइब्रेशन होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जीरो होता है, और एक ऐसी जगह भी होती है या ऐसी जगह होती है जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होता है, इन जगहों को क्या कहते हैं कोई बताएगा, एंटीनोड्स, और जहां एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जीरो होता है उसको क्या कहते हैं, इन दो नोड के सक्सेसिव नोड्स के बीच का सेपरेशन कितना होता है वेवलेंथ के टर्म्स में, इन्हीं दो एंटीनोड के बीच में और एक नोड और एक एंटीनोड के बीच में लैम्डा बाय टू, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नोड का मतलब समझ रहे हो, अब इसको रियलाइज करना है अगर तुमको स्टेशनरी वेव को, तो इसमें ये नहीं है कि ये इस समय यहां नोड बन रहा है और बाद में एंटीनोड बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और एक पैटर्न बन गया, वो पैटर्न बन गया, बस मीडियम के पार्टिकल्स यहां पे अगर ऑसिलेट कर रहे होंगे मीन पोजीशन के तो इस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन से कर रहे हैं, यहां वाले इस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के हिसाब से कर रहे होंगे, यहां वाले
चला जाएगा, माने ऑसिलेशन तो हो ही रहे लेकिन अलग अलग एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन से ऑसिलेशन होते हैं। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के हम लोग ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। जहां मैक्सिमम होता है उसको एंटी नोड पॉइंट कहते हैं, जहां मिनिमम होता है उसको नोड पॉइंट। मीडियम में है ऑसिलेशन हो रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल्स मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहे हैं बट विद डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, वेरिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वेरीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। वेयर इज मैक्सिमम एट एंटी नोड्स, वेयर इज मिनिमम एट नोड्स, ये आपको ध्यान देना है। अब इसी में इन्होंने बहुत सारी बातें पैराग्राफ में लिखी हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नोड समझाया है, एंटी नोड बताया है, कंडीशन क्या होती है स्टेशनरी वेव बनने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव द नेसेसरी कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ बाउंडेड मीडियम। मीडियम जब बाउंड रहेगा तो आगे जाएगी कैसे, वहीं से रिफ्लेक्ट होके, मतलब यहाँ इनिशियली तो अग्रेशन हुआ रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसकी जो बेसिक वेव थी रिफ्लेक्टेड वेव मिलके स्टेशनरी वेव बना देते हैं। जब आप उसकी इक्वेशन निकालते हैं तो वेव वन की इक्वेशन लिखते हो, फिर दूसरे की लिखते हो, फिर दोनों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से y1 + y2 करते हो, तब स्टेशनरी वेव की इक्वेशन निकल के आती है। वो भी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। तो उस इक्वेशन को, जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, उसको भी लर्न करना है आपको, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है और उसी में आइडेंटिफाई करवाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वगैरह वगैरह। जैसे उसकी प्रोग्रेसिव वेव के बारे में हमने उस पिछले टर्म में कहा था, वैसे ही स्टेशनरी वेव के बारे में। फिलहाल हमने जो फिजिकल पिक्चर है वो बताने की कोशिश करी थी। तो वेव्स इन लीनियर बाउंडेड मीडियम, थ्योरी ऑफ स्टेशनरी वेव, इसमें इन्होंने पूरा फॉर्मूला निकाला है। दो वेव्स ली हैं, क्या मैं इक्वेशन लिख के बताऊं या अपने आप करूंगे करके बताऊं? आपको लिखनी पड़ेगी ये sin 2 पाई / लैम्डा vt - x, एक दूसरी vt + x / 1 इधर की ओर ले जाएंगे माइनस x में लौटाएंगे, वो vt + x होंगे, फिर उनमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को, तब जाके स्टेशनरी वेव की इक्वेशन निकलेगी। अब इसमें दो टाइप की इक्वेशन निकलेंगी। अगर हम रिजिड बाउंड्री मानेंगे तो भाई फेज का डिफरेंस जोड़ते हैं ना दूसरी वाली वेव में, जैसे वाई वाले में लिखा दूसरी वाली में, तो वाई टू वाले लिखोगे तो उसमें प्लस जीरो लगाओगे या प्लस फाइव लगाओगे, उस हिसाब से उनकी साइन और कॉस में चेंज होगा, उसके सॉल्यूशन भी डिफरेंट आएंगे। तो दो टाइप की इक्वेशन आपको स्टेशनरी वेव मिलेंगी, एक रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके सुपर इम्पोज होने वाले से, और एक फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके सुपर इम्पोज होके आने वाली, दो वेव इक्वेशन इसमें बनेगी। और फिर इनकी इक्वेशन सिर्फ कर लीजिएगा, हाईलाइट करके दो बार लिख लीजिएगा, उसी पर आधारित तीन चार क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लगाने, सिर्फ आपको तुलना करके कंपेयर करके जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इक्वेशन के नीचे पूछी जाती हैं, आप उस कंसर्न पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक आध बार क्वेश्चन ऐसे भी आ गए हैं कि इसमें बताइए स्टेशनरी वेव कौन सी है, तो स्टेशनरी वेव की दोनों टाइप के इक्वेशन आप रट लीजिए। जैसे आप ए साइन टू पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एच प्रोग्रेसिव वेव की रटते हो, वैसे ही स्टेशनरी वेव की दोनों इक्वेशंस आप रट लीजिए। ठीक है, हमने आपको ये हिंट किया। और उसके अलावा इसमें इंटरफेयर तो कोर्स में है नहीं, एक ये टेबल बनी है रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन एट फ्री बाउंड्री, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ के हम सुनाए दे रहे हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इन्हीं पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहली चीज, पहला पॉइंट है, अगर रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फेज चेंज ऑफ पाई अगर सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज रिफ्लेक्टेड विद चेंज ऑफ साइन। ठीक है, इसमें क्या रहा, देयर इज नो चेंज ऑफ फेज सो दैट ए डिस्प्लेसमेंट इज रिफ्लेक्टेड एज सच विदाउट चेंज ऑफ साइन, मतलब जैसे गई थी वैसे ही लौटेगी। अगर मतलब फिजिकली देखना चाहते हो, अगर
आएगा फिर चेंज है। अगर ऐसे ही लौट रही है यू गई और ये उसी रास्ते पे लौट गई। दूसरी चीज पार्टिकल वेलोसिटी इज रिवर्स, यानी पार्टिकल अगर इधर जा रहा था है ना ऊपर की ओर जा रहा था और अगर रिजिड बाउंड्री है तो नीचे की ओर आएगा इधर से इधर, और अगर बाउंड्री फ्री है तो देयर इज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। तीसरा है फेज ऑफ प्रेशर वेरिएशन रिमेंस अनाल्टर्ड सो दैट वेव ऑफ कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट चेंज ऑफ टाइम। ये रिजिड वाले में है फेज ऑफ प्रेशर वेरिएशन इज रिवर्स सो दैट ए वेव ऑफ कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए वेव ऑफ रियर फ्लेक्शन। ठीक है फ्री वाले में कंप्रेशन वाला रियर फ्लेक्शन में बदल जाता है, रियर फ्लेक्शन वाला उसमें उल्टा होता है। तो इस तरीके से आप करोगे। अब हमें एक टर्न माने कल अभी और चीजें करनी है और अगर आप चाहेंगे तो दो चार सैंपल क्वेश्चंस भी हम कर देंगे और उसके बाद हमको कराना पड़ेगा ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के लिए एक दिन चाहिए क्योंकि आपने 11th क्लास में उसको नहीं पढ़ा। तो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और मैं बचा हुआ